जैसे आपके सिलेबस बीएसएफ हेड कांस्टेबल में दिया गया 5 तरह का सिलेबस है, इसमें से अगर आप एक दो को मिस भी कर देते हैं, एक दो सब्जेक्ट को छोड़ भी देते हैं, फिर भी आपका रिटन एग्जाम निकल जाएगा। वो हम बताते हैं कैसे निकलेगा। कोडिंग डिकोडिंग से कंफर्म एक या दो भी क्वेश्चन रह सकता है, तो इसको जरूर पढ़िएगा आप लोग। उसके बाद और यहाँ से कोई टॉपिक इंपोर्टेंट हमें नहीं दिख रहे हैं, तो जितना हम बताएं कि जहाँ से क्वेश्चन आना है वो सब आप देख लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा, ज्यादा अगर मेहनत नहीं। सिलेबस अगर आप लोग अच्छे से नहीं समझते हैं तो आप लोग जब एग्जाम हॉल में जाकर के बैठिएगा, एग्जाम दीजिएगा रिटन एग्जाम, तो आप लोग को जरूर ऐसा महसूस होगा कि काश पहले से पढ़ लेते, थोड़ा सा भी पढ़ते तो ये पूरा एग्जाम मेरा निकल जाता। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो अभी का ये वीडियो आधारित है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनोग्राफर के सिलेबस पे, और ऐसा सिलेबस अभी तक आप लोग नहीं देखे होंगे। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी लोग बीएसएफ हेड कांस्टेबल का तैयारी कर रहे थे या करेंगे बाद में चल के, उसको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि इसके बाद आप लोग का सिलेबस पढ़ने का तरीका और स्ट्रेटजी काफी ईजी हो जाएगा। क्योंकि ऐसा ऐसा बात हम इसमें बताए हैं कि किस तरीके से बहुत सारे लोग जो है इस एग्जाम को निकाल पाते हैं, और वो कौन टेक्निक होता है जो नए सिलेबस के तौर पे आप लोग को इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेबस बदल दिया गया है और ये सिलेबस काफी इजी आप लोग के लिए दिया गया है। लेकिन इस कमजोर स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हम एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और स्टेनोग्राफर एएसआई का, वो इस वीडियो को देख करके अपने अंदर में आप बहुत सारा उत्साह को पाइएगा कि अब ये एग्जाम हमसे जरूर निकलेगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं रिटन एग्जाम का सिलेबस। लेकिन इसमें से कई सारे ऐसे सिलेबस हैं जो कि बिना पढ़े भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 नंबर का जो सिलेबस आप देख रहे हैं ना, कलर स्केल एप्टीट्यूड, ये बहुत ही कमजोर स्टूडेंटों के लिए बनाया गया है। यानी कि जो थोड़ा सा भी एग्जाम में मतलब पढ़ के नहीं जाएंगे, समझ में नहीं आएगा, वो जरूर इस 20 क्वेश्चन को बनाने के साथ साथ अपना उत्साह को समझेंगे कि हाँ ये तो अब हमसे निकल जाएगा, एग्जाम हमसे अब निकलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश में से कहीं से भी एक से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि आप ये दोनों में से कोई एक को चूज कर सकते हैं। हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी लें, वहाँ पे आपका सब्जेक्ट में दोनों क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि हिंदी में भी क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेगा, लैंग्वेज में, और यहां पे हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट में से किसी को आप चुन पाएंगे। अगर हिंदी जानते हैं, हिंदी पढ़े हैं सब दिन, तो हिंदी को चुनिएगा। अगर इंग्लिश पढ़े हैं तो हिंदी इंग्लिश ग्रामर को आप लोग चुनने वाले हैं, जहां से 20 क्वेश्चन आपको देखा जाएगा। अगर एग्जाम का हम बात कर लें तो एग्जाम का जो सिलेबस कह रहा है वो आपका ऑफलाइन लेगा, और बोथ लैंग्वेज यानी कि दोनों लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा, क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा, निगेटिव वहां पर नहीं होगा। टोटल क्वेश्चन में आप लोग को क्या करना है, टिक लगाना है, वहां पर उसी आधार पर आप लोग का मेरिट भी बनेगा, क्योंकि आपका मेरिट जो बनेगा वो एग्जाम के सिलेबस यानी रिटन एग्जाम पर ही आप लोग का मेरिट बनना है। टोटल क्वेश्चन जो होंगे 100 क्वेश्चन होंगे, 20-20 करके 5 टाइप में आपका डिवाइडेड होगा, वो आपको बताया कहां से कहां क्वेश्चन आएगा, और मार्क्स जो होगा 100 होगा, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आप लोग को दिया जाएगा। ये सब चीज समझते चलिएगा, टाइमिंग काफी बेहतरीन, 1 घंटा 40 मिनट का समय आप लोग को लगभग 100 मिनट का समय मिल रहा है, यानी कि क्वेश्चन भी 100, मार्क्स भी 100 और टाइम भी 100 मिनट का आपको दिया जा रहा है। कि 5 सब्जेक्ट में से कोई भी आप पढ़िएगा एग्जाम में, तो वहां पे उसका सेम स्कोर है, यानी कि सेम वहां पे लेवल दिया गया है, 20-20 क्वेश्चन सबसे, यानी कि 20-20 नंबर आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, तो क्यों ना सबसे ईजी क्वेश्चन को हम उठाएं, सबसे ईजी सब्जेक्ट को हम उठाएं और उसको 100% हम क्लियर करें, जो कि हमारा स्कोरिंग टॉपिक के रूप में डिसाइड होगा। यहाँ पे हम साइड में लिखे हैं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका कौन कौन सा होगा, तो सबसे पहले हिंदी इंग्लिश में से कोई भी आप एक लीजिएगा, वो आपका स्कोरिंग होगा, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन जो कि बहुत कम दिन में आप इसका तैयारी कर सकते हैं, और इसका तैयारी करने का फॉर्म भरने के बाद कम से कम 3 महीना दिया जाता है एग्जाम का, उतने दिन में आप काफी अच्छे से किसी 4 सब्जेक्ट को पकड़ के ही आप एग्जाम को निकाल सकते हैं, 5वां सब्जेक्ट का आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा। कैसे देखिएगा, यहां पर हिंदी इंग्लिश में से बहुत कम दिन में मतलब 15-20 दिन में आप इसको तैयार कर सकते हैं, अगर हिंदी है तो ठीक है, इंग्लिश ग्रामर है तो उसको भी आप तैयार कर सकते हैं। और क्लर्क एन एप्टीट्यूड में आप खास करके देखिएगा, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि कॉमन सेंस के आधार पर होता है, काफी इजी क्वेश्चन जो कि आप नहीं भी पढ़े हैं उस टाइप से आपका वहाँ पर बहुत कहानी टाइप से दे करके, कोई नॉर्मल घटना को देख करके क्वेश्चन बनाया जाएगा, वो हम बताते हैं अच्छे से स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको बताएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आपको पूछा जाना है। ठीक है, उसको देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस यानी कि यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए। अब बताइए जो लोग रीजनिंग छोड़ करके आएंगे एग्जाम में, वो तैयारी करेंगे, अभी तैयारी करेंगे और रीजनिंग छोड़ करके आ जाएंगे एग्जाम में, तो सोचिए कितना बुरा लगेगा कि रीजनिंग जैसे प्रश्न को, वो भी इजी प्रश्न को हम एग्जाम में छोड़ करके आए, तो फिर एग्जाम निकलने का संभावना कितना आपका हो पाएगा बताइए। तो यहां पे ये सब क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, एक ही सब्जेक्ट आप लोग को हार्ड लगेगा जो कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ का क्वेश्चन लगेगा, अगर आप वो भी नहीं पढ़े हैं तो। थोड़ा सा भी आपका मैथ का जानकारी है, अर्थमेटिक नंबर सिस्टम एडवांस मैथ का आपका जानकारी है, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको देखे जाएंगे अगर थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हैं, वहां
पे 20 में से कम 15 क्वेश्चन आप सही करिएगा, ऐसे 17-18 क्वेश्चन भी आप सही कर सकते हैं। अगर हम बात कर ले हिंदी इंग्लिश में कितना सही करना है, तो 18 प्लस आपका 100% सही होगा, क्योंकि हिंदी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर यानी कि उसके जो क्वेश्चन पूछे गए जो अभी हम बताने वाले हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अनुसार आप लोग को वहां से देखिएगा, तो बहुत सारा टॉपिक है आपको बता दिए हैं वो जाकर के पढ़ लीजिएगा, टोटल आपका क्लियर होने वाला, ठीक है। तो टोटल टॉपिक अभी हम बताने वाले हैं आपको, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस में देखेंगे कि 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका रीजनिंग से, रीजनिंग में ऐसे टॉपिक जो कि नॉन वर्बल और वर्बल से होगा, वहां भी आपको टॉपिक हम डिसाइड कर दिए हैं, बस इतना ही टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। और बाकी हम देखेंगे कलर्कियर एप्टीट्यूड में तो आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, कॉमन सेंस के आधार पर आज तक जो आपका तैयारी है उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 100 में से 100 क्वेश्चन आप इसका जरूर बनाइएगा, मतलब 100% यानी कि 20 क्वेश्चन आप जरूर यहां पे बना दीजिएगा, शायद ही एक आध क्वेश्चन आपसे गलती हो अगर थोड़ा सा भी आप मतलब कॉमन सेंस से अच्छे हैं तो, ठीक है। आगे चलते हैं कंप्यूटर का क्वेश्चन। देखिए कंप्यूटर नॉलेज ऐसा है जहां पे आप मेहनत करिएगा तो बनेगा, नहीं करिएगा तो नहीं बनेगा। ये ऐसा सब्जेक्ट है कंप्यूटर का जहां से इसको क्लियर करना है आपको, लूसेंट की किताब में पीछे में दिया गया है कंप्यूटर का ज्ञान, वहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, उसको पढ़ लिएगा तो बहुत सारे शॉर्ट की वगैरह आपका क्लियर हो जाएगा, जहां से 20 में से कम 17-16 क्वेश्चन आप सही कर पाइएगा, तो ये आपका होगा रणनीति। और ये सब जानकारी जो बगल में आप देख रहे हैं इसको भी हम देने वाले हैं आपको, इसके हाइट के बारे में, फिजिकल के बारे में भी बताएंगे, और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, टाइपिंग वगैरह के बारे में बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आप अभी देख रहे थे रिटन एग्जाम का सिलेबस, तो आइए चलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं और वहां ध्यान से आप देख करके टोटल चीज को नोट करते चलिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी वहां पर दिया गया है, उसके अनुसार तैयारी करने के बाद थोड़ा सा भी डाउट आपका नहीं बचने वाला, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग। हम लोग सिलेबस को समझते हैं जो कि आपका बीएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए और एएसआई के लिए आप लोग का होने वाला है, स्टेनो के लिए दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। तो आइए उसको समझते हैं। आपके सिलेबस को 5 टाइप में बांटा गया है, जिसमें से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आप लोग को हम बता ही दिए। और पार्ट 1 में आप देखेंगे यहां पर आपके आपसे इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, और उसी में आपसे हिंदी लैंग्वेज से भी क्वेश्चन आएंगे, यानी ग्रामर या व्याकरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप इंग्लिश को चुनते हैं तो आपका इंग्लिश में क्वेश्चन ग्रामर से आने वाला है ये सब, और हिंदी चुनते हैं तो आपका व्याकरण से क्वेश्चन आएगा। दोनों में से किसी एक को आपको चुनना है, किसी एक के साथ आपको जाना है, ठीक है। और अगर पार्ट टू में बढ़ते हैं तो जनरल इंटेलिजेंस मतलब कि यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज लेते हैं तो आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, स्पोर्ट एंड ईडर से आपको क्वेश्चन आने के लिए बोला गया है, यानी कि आपका ये जो सिलेबस है ये टू दी पॉइंट बताया गया, आपको नोटिफिकेशन में बताया गया, ऑफिशियल नोटिस में बताया गया है, इसलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है आप लोग के लिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन देखा जाएगा, सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, और नए सिलेबस के अनुसार यहां से नए नए क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स आपको पूछा जाएगा, इंग्लिश में साइनो इंटेसो क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, यानी कुछ मीनिंग वगैरह देकर उसका सेम मीनिंग पूछेगा, यानी कि हिंदी में इसको हम लोग पर्यायवाची शब्द बोलते हैं जो कि इंग्लिश में ऐसा है। और कुछ रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए भी आपको पूछा जाएगा, स्पेलिंग टेस्ट आपको किया जाएगा कि आपका स्पेलिंग किस शब्द में गलत है, किस शब्द में सही है, चार तरह का ऑप्शन आपसे दिया जाएगा, मिस स्पेल्ड भी दिया जाएगा आपका, आइटम्स एंड फ्रेज पूछा जाएगा आपसे, मुहावरा वगैरह पूछा जाएगा, अनेक शब्दों के एक शब्द पूछा जाएगा इंग्लिश में। तो ये सब सारे जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं यहां से आपको 20 क्वेश्चन आएगा अगर आप इंग्लिश सुनते हैं तो, वही हिंदी चुनते हैं तो वहां भी आपसे 20 क्वेश्चन आएगा, यानी कि 100 में से ये पार्ट 1 जो है इसमें से आप इसको चुनिए या इसको चुनिए, 20 नंबर ही आपको दिया जाएगा इसमें से, ठीक है। तो किसी एक को जो भी आपका मजबूत होगा, पहले से आप पढ़ते आ रहे होंगे, उसको चुनिएगा, ठीक है। यहां पे इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस मतलब किसी सेंटेंस को दे दिया जाएगा और पूछेगा कि उसमें गलती कहां है, चार पार्ट में से किस पार्ट में गलती है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा उसमें। आगे चल के हम देखते हैं इसमें कि एक्टिव पैसिव वॉइस आपसे पूछा जाएगा, टेंस के भी कुछ क्वेश्चन आपको देखे जाएंगे, मतलब कि जो भी आप ग्रामर में इंग्लिश में पढ़े हैं पहले वही सब क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन से आपको क्वेश्चन मिलेगा, और यहाँ पे देखेंगे सफलिंग सेंटेंस से पैसेज। हाँ, ये पैसेज जो है आप लोग को 5 नंबर का इंग्लिश में देखने के लिए मिलेगा, जो कि हिंदी में भी आएगा आप लोग का, 5 क्वेश्चन इससे रहेंगे, एक पैसेज देगा उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्लोज पैसेज रहेगा, कंप्रिहेंशन रहेगा, मतलब पैसेज से बहुत तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि उसी क्वेश्चन में आप लोग को मिल जाएंगे अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज लेते हैं तो। ये था इंग्लिश का। आगे चलते हैं हम हिंदी में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होंगे वो हिंदी लैंग्वेज को सेलेक्ट करते हैं, हिंदी चुनते हैं, क्योंकि ये आसान होता है, यहां से क्वेश्चन भी आसानी से बन जाते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन। तो यहां से बात कर लें, आपसे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहां पर देखेंगे हिंदी भाषा का सामान्य जानकारी यानी लेखक वगैरह का जानकारी आपको होना चाहिए, किस लेखक से कौन संबंधित है, कौन सा बुक किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, ये सब आपको बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में और आपका एएसआई में पूछा जाएगा, किसी भी पोस्ट में आप भरते हैं।
मतलब हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान आपको होना चाहिए, यानी कि मतलब जो बेसिक ज्ञान है उसका, किस तरह से वर्णमाला देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, हिंदी का वर्णमाला हो गया, तत्सम तद्भव जो हो गया, देशज विदेशज जो शब्द हैं, ये सब तरह का पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, जो आप लोग बच्चे में काफी अच्छे से पढ़े होंगे उसी टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे। अनेकार्थ शब्द, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, मतलब कि किसी वाक्य को देख करके बोलेगा इसके स्थान पर कौन होगा, राम आम डॉट 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 है तो खाता होगा, खाती होगा, इस टाइप से पूछा जाएगा। समरूपी भिन्नार्थक शब्द पूछा जाएगा, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के लिए कुछ वाक्य दे दिया जाएगा। तो ये सब क्या है ना कि बहुत अच्छे से आप स्कोर इसमें कर सकते हैं, या स्कोरिंग टॉपिक आपके लिए होगा। अगर आप ये सब में स्कोर नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं कट ऑफ से पीछे हो जाइएगा। तो ध्यान से समझते चलिएगा, बहुत जल्दी इसको बताते हैं आपको। यहाँ पे लिंग वचन कारक हो गया, ये सब आप देखिएगा कि कोई भी बुक आपका, हम तो कहेंगे कि लूसेंट का अगर हिंदी का आपके पास बुक होगा तो उसमें सब टॉपिक जितना लिखा हुआ सब चीज आपको मिल जाने वाला है। सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, काल हो गया, वाच, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब अलग अलग टॉपिक है। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ऊपर ऊपर से पूछा जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं उपसर्ग है, ये बस परिभाषा के तौर पर आप इसको सेलेक्ट कर पाएंगे, मतलब आगे लगने वाला प्रत्यय, बाद में लगने वाला उपसर्ग, इस तरह से आप इसको डिवाइड कर पाएंगे और बहुत क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। सबसे लगभग एक क्वेश्चन आपको देखा जाएगा। संधि हो गया, संधि काफी महत्वपूर्ण होगा, तो यहां से दो तीन क्वेश्चन पूछ देगा। समास से पक्का क्वेश्चन आपको आने वाला है, क्योंकि हर एग्जाम में रहता है। समास छह प्रकार के होते हैं, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा। उसमें अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय समास, द्वंद समास, द्विगु समास, इस तरह से आपको यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और विराम चिन्ह से क्वेश्चन आएगा, चिन्ह आपको देखना है कि कौन सा चिन्ह कहां पे यूज होना है, कहां पे सटीक उसका है। मुहावरा, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि, ये सब जो टॉपिक है ना, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बता दें कि समास है, संधि पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, अव्यय उपसर्ग पढ़ना है, और बाकी को छोड़कर के यहाँ पे आपको अलंकार थोड़ा सा देख लेना है, ये रस छंद ये सब नहीं देखना है आप लोग को, ये सब बकवास टॉपिक है। और यहाँ पे देखेंगे वचन से क्वेश्चन आ सकता है, एक वचन, बहुवचन करके, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब आप खुद जब प्रीवियस ईयर देखिएगा, जो 2017 में एग्जाम हुआ है या उससे पहले जो एग्जाम इस टाइप में कराए गए हैं, क्लर्कियल टाइप में या मिनिस्ट्रियल टाइप में, तो वहां पे आपको समझ में आ जाने वाला। विविध से कुछ क्वेश्चन रहेगा, ऐसे पुस्तक वगैरह, लेखक वगैरह पूछा जा सकता है। तो ये था आपका हिंदी का टॉपिक, उम्मीद है हमको बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे। और इसमें आप लोग को बहुत ही स्कोर करना है, यानी कि 100% अगर स्कोर करते हैं तो और भी बेटर आप लोग के लिए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पार्ट टू में चलते हैं। पार्ट टू में आप लोग का क्या है, यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि ये कह लें आपको कि रीजनिंग से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन होंगे देख लीजिएगा, यहाँ पे इंक्लूड क्वेश्चन बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल से क्वेश्चन आपको देखा जाएगा। देखिए यहाँ दिया है वर्बल और नॉन वर्बल रहेगा, जिसमें से काफी इजी प्रश्न आपको देखे जाएंगे। द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चन और सिनेमेटिक एनालॉजी, एनालॉजी से प्रश्न रहेगा, सिंबोलिक ऑपरेशन से रहेगा, सिंबोलिक नंबर मतलब सिंबल देकर के पूछेगा कि यहाँ पे कौन सा नंबर जो चार नीचे ऑप्शन दिया गया है उससे प्रयोग होगा, ट्रेंड से रहेगा, फिगर से रहेगा। जैसे फिगर वगैरह काफी इजी रहेगा, मतलब ये बना करके आयताकार बना करके पूछेगा इसमें भिन्न कौन है, इस टाइप से पूछेगा। स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेट्रिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, ये सब क्या है टॉपिक, एक एक बार आप क्या करिएगा ना कि ऊपर ऊपर जानकारी आप यूट्यूब पे जाकर के वेन डायग्राम क्वेश्चन आप देख लीजिएगा एक बार जाकर के, ठीक है। ये सब अच्छा टॉपिक है, यहाँ एनालॉजी अच्छा टॉपिक है, इसमें से अच्छा अच्छा बताते हैं, ये तो पूरा सिलेबस ही आपको लिख दिया गया, ठीक है। लेकिन इसमें से अच्छा कौन सा टॉपिक है, एनालॉजी को पढ़ लीजिएगा आप लोग। क्लासिफिकेशन से कन्फर्म क्वेश्चन आएंगे, वेन डायग्राम से आएगा, सिम्बोलिक नंबर से आएगा, अनफोल्डिंग से क्वेश्चन बहुत ही कम देखा जाता है, ये सब नहीं आएगा आप लोग का। क्लासिफिकेशन से आएगा, ये सबसे भी नहीं आएगा क्वेश्चन। ड्रॉइंग, इंटरफेरेंस से, फिगर क्लासिफिकेशन से आ सकता है, और ये सबसे क्वेश्चन नहीं आएगा। तो क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसमें से भी बहुत सारा मतलब आप लोग को छांटना होता है, क्योंकि सब चीज पढ़ना जरूरी नहीं होता है। आगे चलकर अगर हम बात करते हैं फिगर पैटर्न फोल्डिंग, ये भी नहीं आएगा आप लोग का। नंबर सीरीज से क्वेश्चन पक्का देखा जाएगा। तो जो हम यहाँ पे बता रहे हैं, इस वीडियो को एक दो बार और देख लीजिएगा, ताकि ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे और कहाँ से नहीं आएंगे, वो नोट कर लीजिएगा, किसी बगल में कॉपी रख करके नोट भी करते चलिए, ठीक है। फिगर सीरीज से क्वेश्चन आएगा इसमें, और यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चन आ सकता है। ये सब टॉपिक सर्च करके यूट्यूब पर आप क्वेश्चन इसका देख लीजिएगा, दो चार बस बन जाएगा, ज्यादा मेहनत करने का इसमें जरूरत नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। वर्ल्ड बिल्डिंग से क्वेश्चन आ सकता है, ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग से कन्फर्म एक या दो भी क्वेश्चन रह सकता है, तो इसको जरूर पढ़िएगा आप लोग। उसके बाद और यहाँ से कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट हमें नहीं दिख रहे हैं। तो जितना हम बताए कि जहाँ से क्वेश्चन आना है वो सब आप देख लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा, ज्यादा अगर मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो। उम्मीद है आप लोग
लोग रीजनिंग को भी काफी अच्छे समझ पाए होंगे और यहाँ से अपने भी आप खुद भी पढ़े होंगे पहले तो काफी अच्छे से यहाँ पर रिलेट कर पा रहे होंगे आप। ठीक है, पार्ट थर्ड में चलते हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि यहाँ से मैथ के क्वेश्चन आपसे देखे जाएंगे और मैथ में कह लें तीनों भाग से यानी कि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा और उसके बाद अर्थमेटिक से क्वेश्चन आएगा और एडवांस से आएगा। लेकिन कितना आएगा कहाँ से आएगा चलिए इस पर बात करते हैं। यहाँ से आपको देखा जाएगा कंप्यूटेशन एंड होल नंबर से क्वेश्चन आएगा, पूर्ण संख्या, डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव प्रणाली से क्वेश्चन आएगा, भिन्न से क्वेश्चन आएगा जो कि इजी क्वेश्चन होंगे काफी, रिलेशनशिप से आपको रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन ही पूछा जाएगा जो कि रीजनिंग का ही एक टॉपिक माना जाता है लेकिन यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे देखेंगे हम फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी कि अर्थमेटिक से क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, तो मेन टॉपिक लिख लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, परसेंटेज से कन्फर्म क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन यानी कि आपका अनुपात समानुपात से क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही इजी रहेगा, इस टाइप से प्रश्न रहते हैं, काफ़ी इजी प्रश्न रहेगा आपको, स्क्वायर रूट से क्वेश्चन नहीं देखा जाएगा आपका, एवरेज से क्वेश्चन रहेगा, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट को ही सिर्फ पढ़ना है आप लोग को, प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा जाएगा क्वेश्चन और प्रॉफिट एंड लॉस समझने से पहले आपको परसेंटेज को समझना पड़ेगा, बहुत ही ईजी बेसिक से क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा आप लोग को सोचना नहीं है इस पर। ठीक है, ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको देखे जाएंगे। और अगर आगे बात कर लें हम लोग तो यहाँ पर डिस्काउंट से क्वेश्चन नॉर्मल ही देखा जाएगा, पार्टनरशिप बिजनेस नहीं देखा जाएगा क्वेश्चन। और फिर आगे अगर बात कर लें तो मिक्सचर इरिगेशन यानी कि यहाँ पे ये जो टॉपिक है ना इससे क्वेश्चन कभी कभी देखा जाता है, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आपको नहीं देखा जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन देखा जा सकता है एक दो और टाइम एंड वर्क से भी कन्फर्म क्वेश्चन आपका मिल जाएगा इसमें क्योंकि ये टॉपिक बेहतरीन है। तो इस टाइप का देखिए नल टंकी, बहुत सारे टॉपिक मिस भी किया जो कि अगर सिलेबस में नहीं दिया है तो आपको पढ़ना नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट था आपको हम बता दिए वो जरूर आप लोग इसमें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जाकर के ये सब टॉपिक है जहां से कंफर्म क्वेश्चन आएंगे और आप लोग को पढ़ना है इसको जाकर के ताकि ये एग्जाम को पास कर सके। और 20 नंबर जो मैथ में दिया गया है इसमें अगर आप 20 में से 15 स्कोर कर लेते हैं ना, बाकी स्कोर तो मेरे और कहने पर मेरे तरीके से बताए गए रास्ते पर चल करके आप आराम से ले आ सकते हैं, मतलब 80-85 स्कोर आप आराम से इसमें कर सकते हैं। तो ये था पार्ट थर्ड तक, अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे पार्ट उसी में मैथ में देखते हैं कि और भी बचा हुआ टॉपिक, जैसे अलजेब्रा का टॉपिक यहाँ पे बचा हुआ है तो अलजेब्रा से बहुत सारा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको बताया गया अर्थमेटिक से ही पूछा जाता है जो कि यहाँ पे घबराना आपको नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन देखे जाएंगे, ये सबसे उतने क्वेश्चन आपको नहीं देखा जाएगा, एक से दो क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ से पूछा जाए एडवांस मैथ से जो कि आपका यहाँ से रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री से हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, साइन थीटा कॉस थीटा करके पूछ सकता है, ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे नहीं आएगा। अलजेब्रा में बात कर ले तो यहाँ पे ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जहाँ से आपको क्वेश्चन बनने लायक है, और ज्योमेट्री में कह ले यहाँ से ट्रायंगल से सर्किल से क्वेश्चन हो सकता है कि आज फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखिए ज़्यादा डीपली आप लोग को नहीं पढ़ना है, ऐसे सीजीएल हो गया आपका, उसके बाद एनटीपीसी ग्रुप डी लेवल तक का नहीं पढ़ना है मैथ, मतलब बहुत ईजी मैथ पूछा जाता है जो कि फॉर्मूला बेस्ड होता है क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है आप लोग को। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे इसको समझ पा रहे होंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं, अर्थमेटिक पर मेहनत करना है आप लोग को, जो हम पीछे टॉपिक बताए उस पर ज़्यादा मेहनत करना है आपको। और यहाँ पर चलेंगे आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे हिस्टोग्राम ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो इस पर ध्यान नहीं देना है, हेमिस्फीयर रेक्टेंगल ये सबसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो आप बस यही करिएगा कि जो हम बताए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा देख लीजिएगा और ज्योमेट्री के कुछ हम बता दिए वहां से देख लीजिएगा, बाकी बस इसको छोड़ दीजिएगा, अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम पे आपको क्या करना है फोकस ज्यादा करना है। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं जो सबसे इजी पार्ट कहा जाता है, यानी कि इससे इजी पार्ट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही नहीं, तो ध्यान देंगे आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे सिंसियर होकर के। हिंदी इंग्लिश में आपको एक चुनिएगा, वहाँ पे 20 में से कम 18 आपको बनाना है, क्यों बनाना है क्योंकि बहुत ही ईजी है, आप उसमें मेहनत करिएगा, जो टॉपिक हम टिक लगा चुके हैं उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन वहाँ से नहीं हटेगा। ठीक है, और किताब भी आपको बता दिए लूसेंट का, हिंदी पढ़िएगा। और यहाँ पे हम बात कर लें उसके बाद हम बताएं रीजनिंग में, तो रीजनिंग में जो जो टॉपिक हम बता दिए वहाँ पर अगर करते हैं तो 18 भी क्वेश्चन वहाँ से भी आपका कोई नहीं काट सकता है। मैथ में अगर ठीक है बहुत ज़्यादा आपसे नहीं मेहनत हो पा रहा है तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन ही लेकर के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पार्ट सी जो है ना इसमें तो 20 में से 18 कोई नहीं काटेगा, मतलब 18-54 तो ऐसे ही हो गया और उधर हो गया और एक सब्जेक्ट अभी और बचा हुआ है। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है कि इसमें मेहनत करते चलना है और मतलब कि कहीं भी आप टेंशन मत लीजिएगा कि नहीं हो पाएगा इसमें, क्योंकि बहुत इजी सब्जेक्ट आपसे पूछा गया और कंप्यूटर तो बचा हुआ ही है, उसमें भी 20 नंबर पूछा जाएगा जो कि आपसे लूसेंट के पीछे में दिया हुआ। कंप्यूटर का नॉलेज आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए। इसको पार्ट फोर को देखते हैं जहां पे क्लर्कियल एप्टीट्यूड दिया गया है जो कि काफी इजी होता है। यहां पर समझते हैं हम लोग, यहां पे मोस्ट ऑफ स्किल के बारे में आपको पूछा जाएगा,
यानी कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको कॉमन सेंस के आधार पर बनने वाला क्वेश्चन होगा। इसमें ज़्यादा आपको पढ़ाई का जरूरत नहीं है, आज तक जो आप पढ़े हैं बस उसी में से आपको ये बनाना होगा। सोच के आधार पर आपके थिंकिंग लेवल के अनुसार ये क्वेश्चन आपका बनने वाला है, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और बहुत ही ईजी, मतलब रीजनिंग से भी ईजी आपका मतलब ये सब्जेक्ट है क्लर्कियल एप्टीट्यूड, जहाँ पे हर कोई चाहता है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन होता तो हम ज़्यादा स्कोर कर पाते। तो 20 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर भी आपको बहुत अधिक स्कोर करना होगा। जहाँ पे क्या देखा जाएगा, अटेंशन ऑफ डिटेल देखा जाएगा, जो डिटेल दिया गया है उसमें आप कितना अटेंशन देते हैं, और कुछ सामाजिक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, डाटा चेकिंग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कोई ग्राफ दे करके, बहुत ईजी रहेगा। एबिलिटी देखा जाएगा आपका कंपेरिजन करा करके देखेगा, एक तरह से रीजनिंग कह लें, लेकिन रीजनिंग से भी काफ़ी आसानी होता है, बिना पढ़े ही निकल जाता है, पूरा बन जाएगा आपसे, ठीक है। ईरर देगा काफ़ी ईजी देखने के लिए, मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आप एग्जाम दीजिएगा तो आप खुद भी जानते होंगे पहले दिए होंगे तो, और नहीं हैं तो आप इससे देखकर के काफी अच्छे से समझ पाइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा, आप एग्जाम देकर आइएगा फिर बताइएगा। पार्ट फाइव में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस पूछा गया, कंप्यूटर से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल, यानी कि बेसिक जो नॉलेज है कंप्यूटर का वहां पर देखना आपको, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर देखना है थोड़ा सा, कि किसने इसका आविष्कार किया, पहला कंप्यूटर कौन था, सुपर कंप्यूटर कौन था, यह सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। जीके से बनने वाले क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि आप यहाँ पे एमएस वर्ड को देख सकते हैं, एमएस एक्सेल को देख सकते हैं, कुछ सीपीयू के बारे में जानकारी है ना, कुछ माउस के बारे में, कुछ कीपैड के बारे में जानकारी आप लेते रहिएगा थोड़ा सा, वो जाकर लूसेंट में देखिएगा काफी अच्छे से हो जाएगा। वहाँ पे शॉर्ट की जो यूज किया जाता है, जैसे कंट्रोल प्लस एफ से क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, शिफ्ट प्लस ए से क्या होता है, वो शॉर्ट की जो फेमस है वो देख लीजिएगा थोड़ा सा जाकर लूसेंट में, और उसके बाद कभी पढ़े होंगे तो और भी अच्छे से आप क्लियर कर पा रहे होंगे इसको। कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा आपसे पूछा जाएगा, वेव के बारे में, और मिसलेनियस क्वेश्चन भी इससे बन सकते हैं, जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि ये सब क्वेश्चन आपसे ऐसे ही बन जाएगा, तो ये सब थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा फंडामेंटल जाकर के, आपको किस चीज़ का, कंप्यूटर का, जो कि आपको लूसेंट के पीछे में मिल जाएगा, उतना ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये था आपका सिलेबस का जानकारी, जो कि आप बहुत ही अच्छे से इसको रिलेट कर पाए होंगे और इसको समझ भी पाए होंगे, आप यहाँ से कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा, और आप मतलब इसका तैयारी बेहतरीन करिए अपने आप से, और इसमें जितना ज़्यादा स्कोर करिएगा उतना फ़ायदा आप लोग को क्या होगा कि मेरिट के लिए होने वाला है, तो कोशिश करिएगा। और भी कोई भी कन्फ्यूजन है आप लोग को इस सिलेबस से संबंधित, कहीं दिक्कत हो रहा है किसी पार्ट में, तो नीचे ज़रूर कमेंट कर दीजिए, ताकि हम उस पर वीडियो बना दें और आप लोग को हम सहायता और भी ज़्यादा पहुँचा सकें। जो भी BSF के कैंडिडेट इस फॉर्म को भरे हैं, उनका कोई भी टेंशन अगर है, कोई भी क्वेश्चन है, तो नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पिन जरूर करिए, ठीक है। चलिए, तो हमें उम्मीद है आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग से काफी अच्छे समझ पाए होंगे सभी पॉइंट्स को। तो आइए चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वीडियो लॉन्ग जरूर है, लेकिन ये हमेशा के लिए आपका काम आएगा, यानी कि जब भी अब वैकेंसी आने वाला है आपका BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, ASI स्टेनोग्राफर के लिए, ये वीडियो को आप लोग संभाल करके रखिएगा, कि प्लेलिस्ट में रख लीजिएगा संभाल करके, ताकि आगे आने पर भी इसको हम देख सके और ये आपका काम आ सके, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसमें बताई जा रही है, टोटल डिटेल सिलेबस आपको इसमें बताया गया। आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे टाइपिंग संबंधित क्या कहा गया। आपका जब टाइपिंग होगा दूसरे स्टेज में, तो वहाँ पे क्या मांगा जाएगा, तीसरे स्टेज में, तो वहाँ पे आपका स्किल टेस्ट के अनुसार क्या मांगा जाएगा। तो टाइपिंग इंग्लिश हिंदी में किसी में भी आपका अगर है, आप तैयारी किए हुए हैं, तो आपका 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से वहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि अगर हिंदी टाइपिंग है तो यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश है तो 35 वर्ड पर मिनट दिया जाएगा। समय आपको 10 मिनट का मिलने वाला है। मिस्टेक आप इसमें 10% कर सकते हैं, जितना भी दिया गया वर्ड में 10% का मिस्टेक आप इसमें कर सकते हैं। तो टाइपिंग के अनुसार आपको इसमें तैयारी लेना है। ये टाइपिंग का अलग से स्किल टेस्ट इसमें मांगा जाता है, ठीक है। शॉर्ट हैंड का बात कर लें, अगर आप ASI का पोस्ट भरे हैं स्टेनोग्राफर का, तो शॉर्ट हैंड मांगा जाएगा, जो कि 80 वर्ड पर मिनट होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश में से किसी में भी आपको आता होगा तो उसमें आप कर सकते हैं। समय ड्यूरेशन इसमें भी 10 मिनट का होगा। आगे हम अगर चलते हैं तो देखते हैं यहां पर कि योग्यता इसमें क्या मांगा गया है। तो हेड कांस्टेबल के लिए 12th पास होना जरूरी है, ASI स्टेनो के लिए भी 12th पास होना जरूरी है, और स्किल टेस्ट साइज से होना चाहिए, यानी कि एक के लिए टाइपिंग और एक के लिए आपको स्टेनो शॉर्ट हैंड के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा, योग्यता भी देख लिया, 12th पास यानी कि थर्ड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन है, कुछ भी है यहां पर, तो आप इस फॉर्म को क्या करिएगा, डाल पाइएगा यहां पे। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल यानी क्लर्क लेवल का जॉब होता है, बहुत ही अच्छा जॉब माना जाता है, और ये लेवल 4 का जॉब है, ये लेवल 5 का जॉब है, थोड़ा सा इससे बेटर जॉब होता है ASI स्टेनो का, लेकिन सीट यहां पे कम निकलता है, बहुत सारे लोग हेड कांस्टेबल को ही भरते हैं। आगे चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का कैसे होता है, देखिएगा। पहले आपका रिटन एग्जाम लिया था, जिसके बारे में जानकारी आपको दे दी है यहां पर, सिलेबस के अनुसार पूरे अच्छे से जानकारी आपको दी है।
रिटर्न एग्जाम होता है, दूसरे में आपका पीएसटी पीईटी यानी कि फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड जहां वेट चेस्ट वगैरह आपसे नापा जाता है जो कि आगे हम बताने वाले हैं, और उसी के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी समय हो जाता है। तीसरे स्टेज में आपका टाइपिंग टेस्ट होता है जो कि आपको बताया कि टाइपिंग शॉर्ट हैंड के अनुसार आपका जो भी स्किल आप डेवलप किए हैं पहले से वो आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सब क्वालिफाइंग नेचर का ही है, बस रिटर्न एग्जाम पे आप लोग का क्या होता है मेरिट बनता है। तो ध्यान सबसे ज्यादा रिटर्न एग्जाम पे देना है, इसीलिए थोड़ा लॉन्ग करके आपको हम बताने का प्रयास किया रिटर्न एग्जाम के बारे में, ताकि आप अच्छे से हर एक पॉइंट हर एक टॉपिक को समझ पाइए। आगे देखते हैं, उसके बाद मेडिकल आप लोग का होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बन जाएगा यानी मेडिकल में आप क्वालिफाई कर जाएगा। नॉर्मल मेडिकल होता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, उसमें आप क्वालिफाई करेगा तो फिर मेरिट में आप पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये था सिलेक्शन प्रोसेस। अब आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे रिटर्न एग्जाम तो आपको समझा ही दिया, फिजिकल संबंधित थोड़ा सा हम बात करना चाहते हैं कि हाइट इसमें कितना मांगा जाता है। मेल का तो 165 सेंटीमीटर मेल का हाइट, फीमेल का मांगा जाएगा 155 सेंटीमीटर। लेकिन ये किस कैटेगरी में, ये ऑल कैटेगरी, सिर्फ एसटी को छोड़ करके बाकी ऑल जितनी भी कैटेगरी है भारत में वो सबका हाइट जो 165 सेंटीमीटर और फीमेल का 155 सेंटीमीटर मांगा जाएगा। एसटी को देखेंगे अलग से क्राइटेरिया दिया गया है, और गोरखा जो कि ईस्ट गोरखा हो गए और ईस्ट स्टेट यानी कि पूर्वी राज्य के जो लोग होते हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मेघालय वगैरह का, वहां पे देखेंगे 162.5 सेंटीमीटर मांगा गया हाइट मेल का और 150 में काम चल जाएगा फीमेल का, जो कि एसटी भी है तो उनका भी इतना ही मांगा गया, ठीक है। चेस्ट देखेंगे जो कि मेल का होता है 77-82 मांगा गया, ऑल कैंडिडेट का जितने भी हैं यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में दोनों कैटेगरी बीसी, ईबीसी और एससी के लिए ये मांगा गया 77-82, लेकिन एसटी के लिए अलग से 76-81 मांगा गया है, यानी 76 बिना फुलाए हुए नॉर्मल कंडीशन में और फुला करके 5 सेंटीमीटर का फुलाओ, 81 सेंटीमीटर चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव दोनों में चाहिए, ठीक है, ये चीज समझ गए। आगे अगर देखते हैं वेट कितना मांगा गया, तो वेट जो है हाइट और एज के अनुसार होना चाहिए, जितना आपका एज हो रहा है, अगर आप एज क्राइटेरिया में आते हैं और आपका एज सही है तो हाइट कितना है आपका उसके अनुसार आपका वेट होना चाहिए लड़की और लड़के दोनों का, ठीक है। आगे देखते हैं इसका जो क्वेश्चन आएगा आप लोग का इजी टू मॉडरेट आने वाला है, यानी कि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, और मिनिमम स्कोर आपको 75-78 तक करना होगा इस एग्जाम में, रिटर्न एग्जाम में, और मैक्सिमम 85 अगर रखते हैं तो आपका बहुत ज्यादा क्लियरिफिकेशन हो जाएगा, यानी कि आपका बहुत डाउट क्लियर हो जाएगा किसी अगले स्टेप के लिए, जैसे कि रिटर्न के बाद पीएचडी में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, फिजिकल मेरा होगा, एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, वो जरूर आएगा मैक्सिमम क्वेश्चन में अगर आप रहते हैं तो, और जिस अनुसार आपको बताया उस अनुसार तैयारी करिए, काफ़ी अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर जाकर के आप मतलब सेफ महसूस कर पाएंगे, तो ये जरूर लेकर के चलिएगा मैक्सिमम स्कोर को, और इतना है तो आप स्टेप क्वालिफाई कर पाएंगे, मतलब कि स्टेप में बढ़ते चल जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आपका मेरिट नहीं बने, तो आपको क्या ध्यान देना है, हाई स्कोर पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और स्कोरिंग सब्जेक्ट को सबसे पहले मजबूत करना है, जिस तरीका से आपको बताया कि जो सब्जेक्ट पहले पढ़ना है और किस सब्जेक्ट को बाद में पढ़ना है, किस तरीका से पढ़ना है, कौन सा ज़्यादा हार्ड आपके लिए है, कौन सा ईजी है, उस तरह से पढ़ करके आप एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, और कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। दिक्कत अगर आ रहा है, अभी भी कंफ्यूजन लग रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करिए, उस पर एक वीडियो आपके लिए जरूर बन जाएगा, और इससे पहले हमने एक नोटिफिकेशन का जानकारी दे चुके हैं जो कि वैकेंसी निकला था उसके बारे में बता चुके हैं, उसको देखने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है या यहां पर आ रहा होगा, इसको भी आप क्लिक करके देख सकते हैं, तो वो जाकर देख लीजिए, और भी इस चैनल से जुड़ करके रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जो भी आएगा आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगा, तो जुड़ करके जरूर रहिए, जो भी आता है उसको हम डिटेल में बनाने का प्रयास करते हैं, आपको सही और सटीक सूचना देने का प्रयास करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सब चीज पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।